नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी। चलिए टोटल हरियाणा की करते हैं शुरुआत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि यमुनानगर से है। यमुना नदी के कैचमेंट एरिया में बारिश हुई है, बारिश से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हाथनीकुंड बैराज पर यमुना नदी का जलस्तर 39,205 क्यूसेक दर्ज किया गया। पानी ज्यादा होने से बैराज के सभी गेट खोले गए। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को अलर्ट किया गया है। बैराज से छोड़ा गया पानी 72 घंटे बाद दिल्ली पहुंचेगा। यमुना नदी के कैचमेंट एरिया में बारिश हुई, बारिश से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया। हाथनीकुंड बैराज पर यमुना नदी का जलस्तर 39,205 क्यूसेक दर्ज किया गया। पानी जो जो अपने क्या नाम है पहाड़ी एरिया है उसके अंदर ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से आज जो दोपहर को 11 बजे के आसपास जो हमारा डिस्चार्ज था उसके हिसाब से हमने जो हमारा डाउन स्ट्रीम है जो रिवर यमुना में है उसमें लगभग 18,000 पानी छोड़ा है। जो पीछे 352 लगातार चलता रहा था उसके अगेंस्ट में 18,600 के आसपास पानी छोड़ा है, जो हरियाणा को जो फीड करती है हरियाणा और दिल्ली के लिए जो अपनी वेस्टर्न जमुना कैनाल है उसके अंदर लगभग 17,000 जो हमारा इंडेंट है 17,000 पानी है। 3,000 यूपी की तरफ छोड़ा गया है ईजेसी के अंदर, तो टोटल मिला के लगभग हमारा 39,600 के अराउंड जो डिस्चार्ज था टोटल हमारा अवेलेबल पानी सिर्फ इतना था। अभी देखिए बरसात ये शुरुआती दौर है मानसून सीजन का, तो इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आगे पानी नहीं बढ़ेगा। अगर जैसे ही बारिश होती है ऊपर के एरिया में तो ये आगे पानी बढ़ेगा इस। तो निचले इलाकों में जो बैराज से पानी छोड़ा गया उसके बाद अलर्ट किया गया है।